हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन पर एलन मस्क का क्या प्रभाव है। आखिर एलन मस्क के एक ट्वीट से बिटकॉइन में हाहाकार क्यों मचता है, बिटकॉइन में तूफान क्यों आता है। अगर रात में भी, अगर 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर एलन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया बिटकॉइन के ऊपर, तो तूफान आ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसी क्या प्रभाव पड़ता है एलन मस्क के ट्वीट से बिटकॉइन के ऊपर, आज अपन इसके बारे में देखेंगे। आइए अपन देखते हैं एलन मस्क के बारे में। आपने खूब पढ़ा होगा, थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। एलन मस्क साउथ अफ्रीका में जन्मे थे और आज उनकी पहचान एक अमेरिका के सफल बिजनेसमैन के रूप में पहचान है। और एलन मस्क ने बहुत ही गरीबी के दिन देखे और एक सामान्य परिवार से आए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कुशलता और एक धैर्यपूर्वक उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज एक विश्व के नंबर वन बिजनेसमैन है और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एक टाइम ऐसा था कि एलन मस्क गाड़ियों के रिपेयर करते थे, उनको इंटरेस्ट था गाड़ियों बनाने के लिए, और आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक है और बड़ी बड़ी गाड़ियों, टेस्ला नाम की कंपनी है उसकी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाते हैं, उनकी बैटरियाँ बनाते हैं, उनके कल पुर्जे बनाते हैं और विश्व में भेजते हैं। तो एलन मस्क एक प्रभावी व्यक्ति है पूरे विश्व में और हर देश में करीब करीब उनका व्यवसाय है। अब इनके ट्वीट से क्या प्रभाव पड़ता है, इनका क्या ऐसा है, अपन बात करते हैं। ये एक स्पेस एक्स के संस्थापक भी है। स्पेस एक्स जो एलन मस्क का एक मकसद है कि स्पेस में भी दुनिया बसाने का है, तो उसमें भी वो काम कर रहे हैं। और ये टेस्ला के CEO भी है, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और कुल संपत्ति इनके एलन मस्क की $185 बिलियन है। $185 बिलियन आप इमेजिन कर सकते हो। 2021 में, अब आप नोट करने वाली बात है कि टेस्ला के CEO हैं और ये सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ नोट करने की बात है, ये अकेले ऐसे बिजनेसमैन हैं जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अकेले ऐसे बिजनेसमैन ऑल ओवर वर्ल्ड में, बाकी कोई भी बिजनेसमैन है, कोई सा भी व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, वो कभी बिटकॉइन में निवेश करने की सलाह नहीं देता, लेकिन ये अकेले ऐसे व्यक्ति है जो बिटकॉइन का सपोर्ट करते हैं। इन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर मैं इसमें बहुत ही लेट आया हूँ, अगर मैं इसको आज से 6 साल पहले इन्वेस्ट करता तो मैं इससे काफ़ी पैसे कमा चुका होता। इन्होंने एक बार ट्वीट भी किया था और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। फिर इन्होंने अभी 2021 में टेस्ला इनकी कंपनी है, इन्होंने बिटकॉइन में निवेश किया था $1.5 अरब बिटकॉइन में। इन्होंने खुद की कंपनी ने इन्होंने निवेश किया और उन्होंने खुद पर्सनल भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और इन्होंने उस वक्त कहा था, जब ये इन्वेस्ट किया था उन्होंने बिटकॉइन में, तब उन्होंने कहा था कि भविष्य में भी आने वाले समय में हमारी कंपनी जो कारें खरीदेगी और बेचेगी और जो वो उनके पार्ट्स हैं वो भी बेचेंगे, खरीद फरोख करेंगे, वो बिटकॉइन से ही करेंगे। जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था तब इन्होंने ये ऐलान किया था कि इन भविष्य में आने वाले टाइम में हमारी कंपनी और हमारा बिजनेस हमेशा बिटकॉइन में ही खरीद फरोख करेंगे। इस ऐलान के बाद जब इन्होंने ऐलान किया, 1 फरवरी को बिटकॉइन की कीमत $33,000 थी जब इन्होंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद जब जस्ट इन्होंने एक ऐलान किया, फिर 11 फरवरी को ये $48,000 पर आ गया बिटकॉइन। अब देखिए 1 फरवरी से 11 फरवरी 10 दिन के अंदर जब इन्होंने इन्वेस्ट किया और जब इन्होंने सिर्फ ऐलान किया, तब बिटकॉइन $33,000 चल रहा था और 11 फरवरी को $48,000 का आ गया, यानी 15% की तेजी सिर्फ 10 दिन में आ गई। अब आप देख सकते हैं कितना इनका प्रभाव पड़ता है। इनका प्रभाव पड़ने का कारण है क्योंकि जब विश्व के सबसे बड़ा बिजनेसमैन, विश्व का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति जब इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो आम आदमी और दूसरे बिजनेसमैन भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक कोई सामान्य इंसान अगर इसमें अगर इन्वेस्ट करता है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, चाहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक प्रभुत्व वाला इंसान अगर जो पूरे विश्व में अपनी धाक रखता है, अगर वो इस इन्वेस्ट करेगा और वो आने वाले टाइम में भी इसके बारे में बोलता है कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा बिटकॉइन के, तो ऑब्वियसली बात है उसका बिटकॉइन का ऊपर नीचे होना बिल्कुल होना है ही। फिर अभी मार्च में टेस्ला कंपनी ने घोषणा की थी अपने बैलेंस शीट में 2021 में कि इससे बिटकॉइन से $10.1 करोड़ की कमाई की टेस्ला ने। अब जब मार्च तिमाही में, अब आप नोट कर सकते हैं, इन्होंने 1 फरवरी को इन्वेस्ट किया था इसमें
और उसमें फिर उन्होंने मारते में ऐलान भी किया 10.1 करोड़ की डॉलर की कमाई भी कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि फिर इसमें कितना तगड़ा इन्वेस्टमेंट है। और एलन मस्क के ट्विटर पर जबरदस्त लोकप्रियता है, इनके ट्विटर पर 4.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर बिटकॉइन क्यों एलन मस्क के ट्वीट से नाचता है, ऊपर नीचे होता है, तो यही कारण है कि एक तो एलन मस्क की प्रभुत्व है पूरे विश्व में और पूरे विश्व में इनकी पहचान है और सबसे नंबर वन अमीर व्यक्ति हैं, और दूसरा इन्होंने खुद ने घोषणा की थी कि हमने बिटकॉइन में निवेश किया है, उसका भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। दूसरा इन्होंने मार्च तिमाही में भी एक रिपोर्ट में बताया था कि 10.1 करोड़ डॉलर हमने बिटकॉइन से कमाए हैं, और इन्होंने आगे ये भी कहा था कि भविष्य में आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन से खरीद प्रोक करेंगे हमारे बिजनेस में। तो इन सब कारणों से बिटकॉइन में तेजी ऊपर नीचे आता रहता है और इनके एक ट्वीट से बिटकॉइन में हलचल मचती है इस कारण से। तो आज मैंने आपको बताया कि एलन मस्क के ट्वीट करने से मात्र से बिटकॉइन में तूफान क्यों आता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।